वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खेल गुरु पे। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न स्टडी के जो साइंटिफिक नेम हैं उनके बारे में, यानी कौन सी चीज़ के अध्ययन को क्या कहते हैं और ये किससे संबंधित है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो भी न्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। नेक्स्ट है ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है दांतों का अध्ययन, तो ये ओडोंटोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ टीथ इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन या ऑस्टियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। एंड डिजीज ऑफ बोन ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है वो हड्डियों से संबंधित है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, भुरभुरा जाती है और ये विटामिन डी की कमी से और धूप का कम धूप लेने से, यानी धूप में कम बैठने से, कम निकलने से भी हो जाती है। ये मुख्यतः बच्चों में पाई जाती है, 12 वर्ष तक के या छोटे बच्चों में। नेक्स्ट है कैंसर का अध्ययन, तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। और कैंसर का जो डॉक्टर होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों का अध्ययन यानी मायोलॉजी, तो स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी। नेक्स्ट है दिमाग का अध्ययन या मानसिकता का अध्ययन, तो दिमाग के अध्ययन को क्रेनियोलॉजी कहते हैं और मानसिकता के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज ऑर्थोलॉजी। नेक्स्ट है रसायनों का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है, स्टडी ऑफ केमिकल्स इज नोन एज केमिस्ट्री। और आज का लास्ट है सौंदर्य का अध्ययन, तो सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ ब्यूटी इज नोन एज केलोलॉजी। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहे और आगे की वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।